नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों को अब दलित वोटों को अपने पाले मिलाने की चिंता सताने लगी है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कोई दलित चेतना यात्रा निकाल रहा है तो कोई आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी दलितों को साधने में लगे हुए हैं। यूपी में ब्राह्मणों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी वोट बैंक के लिए ग्राम छिड़ा हुआ है तो वो है दलित वोट बैंक। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जाति समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। अब तक राज्य में ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कोई भगवान परशुराम का मंदिर बनवा रहा था तो कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मण वोट बैंक समेटने की कोशिशों में जुटा था। पर ब्राह्मण वोट बैंक के बाद अब सभी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर आ चुकी है। जातीय वर्गों के वोट समेटने का प्रयास कर रही सपा की नजर आदिवासियों पर भी है। सपा ने जहां एक और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक में सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की थी तो वहीं दूसरी ओर सपा ने सोनभद्र में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय भी लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि जल जंगल जमीन से बेदखल हो रहे आदिवासियों को सपा की सरकार बनने पर उनके हक दिलाए जाएंगे और उनके हित में योजनाएं भी लाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी हद तक जातीय समीकरणों पर ही टिकी हुई है, लिहाजा दलों की रणनीति भी इसी पर है। दलितों का वोट गंवा चुकी कांग्रेस को लगता है कि राज्य में पिछड़ों के वोट के लिए ज्यादा मार हो रही है, इसीलिए उसने दलितों की ओर अपना फोकस करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक दलितों का एक मुश्त वोट मायावती के कब्जे में रहा है, लेकिन 2014 के बाद से इसमें कुछ वर्ग छिटक कर बीजेपी के पाले में आ गए हैं। अब मायावती की दूसरी लाइन की लीडरशिप ढलान पर देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि दलित वर्ग अब माया के झांसे से बाहर आएगा, इसीलिए उसने इस वोट बैंक को अपने पाले पर लाने की जुगत लगानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की हिस्सेदारी काफी मजबूत है। अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो राज्य में तकरीबन 42-45% पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है। इसके बाद 20-21% हिस्सेदारी दलितों की आती है। इस वोट बैंक की बदौलत मायावती ने 2007 में 206 सीटें जीती थी और 30% से ज्यादा वोट के साथ पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी। उनकी सोशल इंजीनियरिंग ने भी उन्हें खूब चर्चाएं बटोरवाई थी। फिर 2009 में लोकसभा चुनाव हुए और बसपा ने 27% से ज्यादा वोट हासिल किए और 21 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन 2012 में उनकी चमक काम नहीं आ सकी, उनका वोट प्रतिशत भी घटा और 2017 में बसपा का सबसे मजबूत किला दरक गया। 2007 के बाद से मायावती के वोट प्रतिशत में लगातार घटाव आ रहा है। इनके वोट बैंक पर सेंधमारी हो रही है और 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने 80 में से 71 सीट जीतकर इसी वोट बैंक को जबरदस्त झटका दिया था। इस दौरान सबसे बड़ी बात ये रही थी कि अपनी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीटों पर भी बसपा कमजोर नजर आई थी। तो ये यूपी की सत्ता पाने के सपने हैं जिसको सच साबित करने के लिए बड़े से बड़ा दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि यूपी की जनता का मूड कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन यूपी वालों का मूड भापने के लिए निकलेंगे तो आपको बड़े सियासी दल मिल जाएंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि यूपी में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जालौन के उड़ई टाउन में कांग्रेसियों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेसियों ने अर्धनग्न अवस्था में बढ़ती महंगाई और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर महिलाओं ने भी कंधों पर गैस सिलेंडर उठाकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे भी लगाए और ये प्रदर्शन जिला कांग्रेस दफ्तर से शुरू होकर पूरे शहर की सड़कों पर किया गया।
वहीं सुल्तानपुर में भी आज कांग्रेसियों ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, घरेलू सामानों के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने मोटरसाइकिल को बैलगाड़ी पर लादकर करीब 4 किलोमीटर की पदयात्रा की और ये पदयात्रा कांग्रेस कमेटी कार्यालय से शुरू होकर तहसील परिषद में जाकर खत्म हुई। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि आज के दिन अगस्त क्रांति दिवस पर हम लोग बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, ऐसे में अब बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कितना है पूरा देश जानता है। उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। डीजल 92 पार होता जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, सरसों के तेल 200 रुपए लीटर हो गए हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस सरकार ने इतिहास गंवा रहा है। जब जब भाजपा की सरकार आई है इसी तरह कमरतोड़ महंगाई लाई है। आज क्रांति दिवस के अवसर पर जब 1942 में 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, आज हम कांग्रेस के लोग, आज किसान, आज नौजवान, आज महिलाएं, सब लोग मिलकर आज नारा दे रहे हैं कि भाजपा गद्दी छोड़ो, तुम गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो, गद्दी छोड़ो। बलिया में लगातार बाढ़ का कहर जारी है और गंगा नदी के बड़े जल स्तर के चलते शहर के निचले हिस्सों के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीआरएफ द्वारा चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें बलिया शहर के महावीर घाट की हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान बाढ़ पीड़ितों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। आप लोग सभी लोग को मेरा नम्र निवेदन है कि अपने मकान में ताला देकर बाहर निकल जाए। मेरा लार ये रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप लोग जानिए आप लोग का मकान भी, एक मकान अगर ढह जाएगा तो सारी मकान आप लोग का एकदम तरह आज जान है तो जहान है, समझ गए। मोहल्ला वासियों से आपसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि आप एनडीआरएफ की नाव में बैठ जाएं। वहीं एसडीएम की माने तो लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं और वो अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ के जवान लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और ना निकलने वाले लोगों को समझाया जा रहा है ताकि कोई बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। देखिए, जहां तक मैंने वहां का सुना है वाराणसी में, क्योंकि राजस्थान से पानी छोड़ा गया है तो हर घंटे करीब 9 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो यहां पहुंचते पर डे जो है 2.5-3 मीटर पानी गंगा जी में बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी लेवल जो है इंक्रीज होगा, तो उसको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा उसको। वही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे एनडीआरएफ के अधिकारी की माने तो जिला प्रशासन का निर्देश मिला था कि शहर के कुछ क्षेत्रों में लोग बाढ़ में फंस गए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने की जरूरत है और इसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिले जालौन, इटावा, औरैया आदि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए बलिया में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। आज सुबह खबर मिली, जिला प्रशासन के द्वारा खबर दिया गया था कि सदर तहसील के 2 टोले, सनिचरी मंदिर टोला और एक निहोरा नगर में लोकल नाला में जल स्तर बढ़ने के कारण पानी अंदर घुस गया है और वहां पे लोगों को निकालने की ज़रूरत है, जिसके आधार पर इनडायरेक्ट टीम यहां पे पहुंची है और बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं हरिद्वार के पिहानी में एक पेड़ के नीचे कच्ची शराब बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाया है और सोशल मीडिया पर अब उसे वायरल कर दिया है, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले में शराब बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से शराब भी बरामद की गई है। वहीं कच्ची शराब बनाए जाने का ये वीडियो कोतवाली पिहानी क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर का बताया जा रहा है, जहाँ पर खुलेआम कुछ युवकों को कच्ची शराब बनाते देखा जा सकता है। वहीं पुलिस का दावा है कि ग्राम पंचायतों में खुली बैठकर शराब न बनाने की अपील की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। एएसपी कपिल देव सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शराब बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद शराब भी बरामद की है। उन्होंने कहा कि जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिस कथित वीडियो क्लिप के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये बिहानी थाना अंतर्गत दूल्हापुर गांव है, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा शराब बनाए जाने की बातें देखी जा सकती हैं। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा संज्ञान में मामले को लिया गया और तत्काल ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। लोग गिरफ्तार हुए हैं और माल भी बरामदगी हुई है। इसमें अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई हम सख्ती से करेंगे। इस तरह के जो भी प्रकरण और आएंगे उसमें भी हम तत्काल अविधिक कार्रवाई करेंगे। नोएडा पुलिस स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी क्रम में आज नोएडा पुलिस के द्वारा बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और स्पेशल कमांडो के साथ मेट्रो में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। बता दें, मेट्रो में डॉग स्क्वाड और कमांडोज को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट हो गई है। दरअसल आज पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की अगुवाई में नोएडा मेट्रो में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। बोटानिकल गार्डन से ये लोग मेट्रो में रवाना हुए और मेट्रो के अंदर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट रहती ही है और उसी को लेकर नोएडा पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि आज उनकी सभी एजेंसी यहाँ पर मौजूद रही और सभी के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो बता दें, नोएडा मेट्रो में ये चेकिंग अभियान चलाया गया और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि पुलिस की टीम बोटानिकल गार्डन से मेट्रो में सवार हुई थी, जिसके बाद कई स्टेशनों तक मेट्रो में ही पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड टीम, बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा और चेकिंग अभियान पूरी तरह से चलाया गया सुरक्षा के लिहाज से। और स्वतंत्रता दिवस को देखकर देश में सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है और ऐसे में प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। देखिए, ये लगातार चलने वाली एक सिक्योरिटी ड्रिल है, जिसको हम लोग समय समय पर उसको ट्राई करते हैं, उसकी ड्रिल्स करते हैं। आज इसमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ये ड्रिल की जा रही है, जिसमें हम सभी प्रकार के ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस से है, टैक्सीज हैं, रेलवे है, मेट्रो है, इन सभी पे जो हमारी सिक्योरिटी ड्रिल है उसको का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इस कार्य में हमारे साथ हमारी जो और भी एजेंसीज हैं वो साथ में हैं। यहाँ स्टेशन पे हैं तो CISF का एक डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा हमारी जो स्पेशल टीम्स हैं, हमारी जो कमांडो यूनिट्स हैं, हमारी BDS की जो टीम्स हैं, हमारे पास जो स्नाइफर डॉग्स हैं, वो सभी इस में शामिल किए गए। कासगंज में किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बातचीत की और इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कासगंज के किसान श्याम चरण उपाध्याय से बातचीत करते हुए उन्हें चिलिंग प्लांट स्थापित होने के बाद आए बदलाव के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पीएम ने सभी किसानों को आय दुगनी करने के मंत्र भी दिए। वहीं पीएम से बातचीत करने के बाद सभी किसानों में खासा खुशी देखने के लिए मिली। बता दें, सभी किसानों से ने संवाद के लिए कासगंज को चुनने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि कासगंज के सोरो रोड स्थित किला रोड पर शिवांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट बनाया गया है। तो बता दें, पीएम का किसानों से पीएम मोदी ने संवाद किया और ऐसे में कासगंज के सोरो रोड स्थित किला रोड पर शिवांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट बनाया गया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी भी दी और कई किसानों से बातचीत की। हालांकि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद किसानों में काफ़ी खुशी देखने के लिए मिल रही है। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जुड़े थे और कई किसानों से इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम ने संवाद किया, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी से अस्पताल में शराब पी रहे एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही वीडियो में व्यक्ति अस्पताल के बेड पर शराब रखकर शराब पीते हुए नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल की ब्लड बैंक का बताया जा रहा है और मामले में CMS ने अब जाँच के आदेश दे दिए हैं।
तो बता दें लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर शराब पीते हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल में बेड के बराबर में कमरे में बैठ कर एक व्यक्ति शराब पी रहा है, जिसके किसी ने वीडियो बना लिया और अस्पताल के ब्लड बैंक का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा की दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मुच्छीखेड़ा गांव में रविवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया और घर के सदस्यों को एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट भी की। वहीं जब परिवार के सदस्यों ने शोर मचाया तो बड़ी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हो गए और एक बदमाश को पकड़कर कमरे में बंद कर लिया, जबकि तीन बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं पीड़ित परिवार ने बदमाशों पर घर से करीब 1,20,000 रुपये नकद, 5 से 6 तोले सोना और 2 से 3 किलो चांदी लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया है कि देर रात मुच्छीखेड़ा गांव में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और इस मामले में ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया है और बाकी फरार साथियों की तलाश की जा रही है। सहारनपुर के तहसील सदर के गांव दतौली मुगल में उस समय हंगामा कट गया जब एक राशन डीलर के द्वारा राशन का वितरण ठीक तरीके से नहीं किया गया। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर आरोप लगाया कि वो ना तो राशन का वितरण सही तरीके से करता है और डीलर ने कई राशन कार्ड भी गलत तरीके से बना रखे हैं। उन्होंने डीलर पर राशन की तोल में भी गमन करने का आरोप लगाया है। वहीं अब राशन डीलर से परेशान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो बता दें राशन डीलर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और कई तरह के आरोप ग्रामीणों की तरफ से राशन डीलर पर लगाए गए हैं। उन्होंने डीलर पर राशन की तौल में भी गमन करने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है कि डीलर ने कई राशन कार्ड गलत तरीके से बना रखे हैं और ना तो डीलर राशन का सही तरीके से वितरण करता है और डीलर ने राशन कार्ड भी गलत तरीके से बना रखे हैं। तो ये तमाम आरोप ग्रामीणों की तरफ से राशन डीलर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं अब बता दें वीडियो ग्रामीणों की तरफ से बनाया गया, दरअसल ग्रामीणों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया, जिसका वीडियो भी बना लिया गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। खबर कासगंज के गंज डुंडवारा से है, जहां पर कस्बा के कादरगंज रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल में एक 26 वर्षीय प्रसूता की प्रसव के बाद मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हॉस्पिटल पर मोटी रकम लेकर ऑपरेशन करने और लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के पति ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोतवाली में तहरीर दे दी है। तो बता दें 26 साल की एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर ही जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही और मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। बता दें कब्जे में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के पति ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोतवाली में तहरीर भी दे दी है। तो बता दें प्रसव के दौरान ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो गई है, जिसके बाद सिटी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने सिटी हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा काटा, साथ ही मोटी रकम लेकर ऑपरेशन करने और लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और लगातार अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया और
वहीं मृतका के पति ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोतवाली में तहरीर भी दे दी है और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस से मांग भी की है। हालांकि सूचना जैसे ही इस पूरे मामले की पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि लोगों को समझाया बुझाया भी गया लेकिन उसके बाद भी परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया और सिटी हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। हाथरस में हाथरस पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। इसी के साथ तीनों चोरों के पास से 3 अवैध चाकू भी बरामद कर लिए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए तीनों चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं जो लूट चोरी जैसी अन्य वारदातों में जेल जा चुके हैं। वहीं इसका खुलासा कोतवाली हाथरस ASP प्रकाश कुमार ने किया है। तो बता दें पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों के कब्जे से बरामद की गई 12 मोटरसाइकिल बरामद की है जो उन्होंने चोरी के दौरान चुराई थी और पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। साथ ही बता दें लूट और चोरी जैसी कई वारदातों में पहले भी ये चोर गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। इसका खुलासा कोतवाली हाथरस ASP प्रकाश कुमार ने किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।